सबसे तेज खबर। नमस्कार, मैं सुरेश नायक और आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। परबत्ता प्रखंड में खाद की कालाबाजारी के विरोध में कृषि पदाधिकारी का पुतला दहन। परबत्ता से हमारे संवाददाता हरिशेखर कुमार यादव की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए विरोध जारी रहेगा। वक्त बातें परबत्ता प्रखंड के ई किसान भवन के समक्ष क्षेत्र में हो रहे खाद के कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नवोदित किसान संघ के अध्यक्ष रामानुज प्रसाद रमन ने कही। इस दौरान अधिकारियों का पुतला भी दहन किया गया एवं खाद विक्रेताओं की मनमानी से किसान बेहाल है। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश यादव एवं संघ के सचिव मदन प्रसाद ने कहा कि सरकार अपने बजट के माध्यम से किसानों को दुगुना लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान परेशान है। मौके पर सेनावीर शिक्षक सचिदानंद यादव ने कहा कि इन सारी समस्याओं को मद्देनजर देखते हुए जिम्मेदार कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी, जो बेगूसराय से चलकर हमारे खगड़िया कृषि पदाधिकारी पद पर आसीन है, शैलेश कुमार कार्य कुशलता व कालाबाजारी के साथ मिलीभगत रहने के वजह से क्षेत्र में किसान की दुर्दशा हो रही है। जिन सारे समस्या का मूल कारण जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी है, जिस समस्या का कहीं से भी ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। मौके पर किसान मनोज कुमार मिश्रा, आत्मा के अध्यक्ष अंजनी यादव, सौरभ तिवारी, शंभू यादव, धीरेन्द्र मिश्र, जितेंद्र कुमार चौधरी, अरविंद यादव, पूर्व सचिव महेंद्र यादव, अभय कांत मिश्र, अश्विनी कुमार आदि मौजूद। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना न भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।